क्या दिख देखिए रहा? अभी रिजल्ट आएंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, और जो लोग ईमानदारी की कस्में खाते थे उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। और जो रिजल्ट आ रहा है जिस तरह से एग्जिट पोल पे, और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और आज भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छी बढ़े थे। हम 15 साल से शासन में हैं और हमने अच्छा काम किया है, जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। बहुत अच्छा, जो अभी अभी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं, वही ईमानदारी की बात करते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है बीजेपी। त्रिशंकु अगर स्थिति हुई तो क्या कांग्रेस के लोगों से बातचीत करेंगे आप? देखिए क्या होगा और क्या, ये सब भविष्य के गर्भ में है, इसलिए इस पर अभी कहना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना कि अभी आप इंतजार करिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हम बहुमत प्राप्त करेंगे। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? आपको लगता है उन्होंने कागज पे लिख दिया था 20 सीटें कहा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उन्होंने कहा 20 सीटें आएंगी, वही तो मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी, जरा देखिए, आप कह रहे 20 सीटें आएंगी और आपकी 100 से नीचे सीटें आने वाली है। आपको लगता है बीजेपी का मेयर बनेगा? 100% बीजेपी का मेयर बनेगा, बीजेपी बहुमत में। कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं जो लोगों तक पहुंचे हैं आपके? जी कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है? देखिए लोगों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, जो आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए किए वो पहुंचे हैं, दिल्ली के झुग्गी वासियों को फ्लैट दिया है उसका संदेश पहुंचा है, और दिल्ली के अंदर लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।